अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए आपके लिए चिकन शवारमा की रेसिपी, जिसके लिए सबसे पहले मैं उसका सैलड तैयार करूंगी। मेरे पास तकरीबन 3 खीरे हैं जो मैंने लंबे लंबे बारीक काट लिए हैं। दो मेरे पास प्याज हैं जो मैंने बारीक लंबे लंबे काट लिए। टमाटर है मेरे पास 2 अदद। सिरका है मेरे पास 1/2 कप। 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मुझे सिरका थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने 4 टेबलस्पून इसमें सिरका मैंने और ऐड किया है, ताकि हमारा जो सिरका है वो इस तरह से सब्जियों का ये जो पानी और सिरका है उसको इस तरह से नजर आना चाहिए। अब इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूंगी। इसमें मैं जो है 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें बंद गोभी भी ऐड करूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। जी तो शवारमे के लिए अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मेरे पास 1/2 kg चिकन है बोनलेस। इसमें मैं 1 टीस्पून डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर चाहिएगा 1 टीस्पून। क्रश की हुई लाल मिर्च चाहिएगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर चाहिएगा 1/2 टीस्पून। काली मिर्च चाहिएगी 1 टीस्पून। और तंदूरी मसाला जाएगा 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब इसमें हम 1 जो है लेमन उसका जूस डालेंगे। आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेमन या सिरका कौन समझे। और इसको मैरिनेट होने के लिए हम 1 घंटे के लिए रख लेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। जी तो अब मैं पीटा ब्रेड है उसको, मेरे पास ये बाजार की है, इसको मैं गर्म करूंगी। जी ये देखिए इस तरह से इसका इतना इसको गर्म कर लेना है। अब इसका हल्का सा कलर भी आके इसको मैं निकाल लूंगी। जी अब मैं एक पैन लूंगी और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने जो मैरिनेट किया था चिकन वो ऐड करूंगी। ये देखें अब इसका पानी सारा कुछ खो चुका है और ये चिकन जो है हमारा रेडी है। इसको हम उबाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम शवारमे की सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बाउल में पहले तकरीबन 10 टेबलस्पून जो है मेयोनीज निकाल लिया है और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन 1 टेबलस्पून जो आएगा इसमें, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून।
या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। वन टेबल स्पून जो है लहसुन है वो चॉप किया हुआ है, हाफ टी स्पून जो है मेरे पास क्रश की हुई रेड चिली है, इसे मिक्स कर लेंगे। और हमारी ये शवरमा की सॉस तैयार है। हमने मीठा ब्रेड रखा है, उसमें हम सॉस डालेंगे और उसको अच्छे से लगाएंगे। और इस पे जो हमने सैलेड बना के रखा था वो लगाएंगे। इसके ऊपर चिकन की लेयर देंगे। आप देखिए कि हमारा शवरमा जो है वो रैप होके बिल्कुल तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। जी नाज़रीन, तो ये हमारा शवरमा तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।